35वां अध्याय युगल गीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के गवों को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उसके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार वे बड़ी कठिनाई से अपना दिन बिताती। गोपियाँ आपस में कहती, अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों तक को मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल को बाई बहू की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नीचे नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार उंगलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमान पर चढ़कर आ जाती है और उस तान को सुनकर अत्यंत ही चकित तथा विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है, परंतु क्षण भर में ही उसका चित्त काम बाण से बिंध जाता है। वे विवश हो और अचेत हो जाती है। उन्हें इस बात की भी शुद्ध नहीं रहती कि उसकी निवि खुल गई है और उसके वस्त्र खिसक गए हैं। अरे गोपियों, तुम ये आश्चर्य की बात सुनो, ये नंद कितने सुंदर है। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती है, शुभ्र मोती सी चमकने लगती है। अरे वीर, उनके वृक्षस्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती है। उसके वृक्षस्थल पर जो श्रीवत्स की सुनहरी रेखा है वह तो ऐसे जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई है। वे जब दुखी जनों को दुख देने के लिए विरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब व्रज के झुंड बैल गौवे और हरिन उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं, सखी, दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उसके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। वे उसे न निगल पाते हैं और न तो उगल ही पाते हैं। दोनों कान खड़े करके उस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो सो गए या केवल भीतर पर खिले हुए विचित्र है। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है क्योंकि वह बांसुरी की तान उसके चित्त को चुरा लेती है। यह सखी जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोरपंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे खोज लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पल्लवों से ऐसा वेश सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और फिर बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ बांसुरी में गौ का नाम ले कर उन्हें पुकारते हैं। उस समय प्यारी सखियों नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती है कि वायु उड़ाकर हमें प्रियतम के चरणों की धूली हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाए, परंतु सखियों वे भी हमारे ही जैसी मंदभागिनी है। जैसे नंद श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती है और जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती है। दो चार बार अपनी तरुण रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य है, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती है, प्रेमावेश से स्तंभित हो जाती है। वारी वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्य के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नटनागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराय में चरती हुई गौ को नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती है। उसके भार से डालियां झुक झुक कर धरती छूने लगती है मानो प्रणाम कर रही हो। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान श्री विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई सी प्रेम से फूल उठती है, उसका रोम रोम खिल जाता है और सबकी सब मधुर धाराएं उड़ेलने लगती है। हरी सखी,
जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य है उसमें सबके सुंदर, सबके मधुर, सबके शिरोमणि हैं ये हमारे मनमोहन। उनके सांवले ललाट पर केसर की खौर कितनी फबती है, बस देखती ही जाओ। जले गले में घुटनों तक लटकती हुई वनमाला, उनमें परोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मधुर मधु से मतवाले होकर झुंड के झुंड भौरे बड़े मनोहर एवं उच्च स्वर से गुंजार करते रहते हैं। हमारे नट नागर श्याम सुंदर भौरों की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर उन अपनी बांसुरी फूकने लगते हैं। उस समय सखी हम मुनिजन मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस हंस आदि पक्षियों का भी चित्त उसके हाथ से निकल जाता है, छिन जाता है। वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आप बैठते हैं तथा आंखें मुंद चुपचाप एक चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं। मानो कोई विहंगम वृत्ति के रसिक परमहंस ही हो। भला कहो तो ये कितने आश्चर्य की बात है, अरे व्रज देवियों, तो हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उनकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है। उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर उठूं और वह कहीं बांसुरी की तान के विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरापन ले आए तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी वह इतना ही नहीं करता, वह जब देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को धाम लग रहा है तब वह उसके ऊपर आकर छाया कर लेता है, उसका छत्र बना जाता है। वह हरिवीर वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसके ऊपर आना जीवन ही नीच उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है। नहीं नहीं नन्ही नन्ही फूलियों के रूप से ऐसा बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। सती शिरोमणि यशोदा जी, तुम्हारे सुंदर कुंवर बाल बालों के साथ खेल खेल में बड़े निपुण हैं। रानी जी, तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत है। देखो उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेकों प्रकार की राग रागिनियां उन्होंने निकाल ली। जब वे अपने बिंबा फल सदस्य लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, उस समय वंशी की परम मोहिनी और नई तान सुनकर ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ है उसे नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उसके रोकने पर भी और उनके हाथ से निकलकर वंशी ध्वनि में तल्लीन हो जाता है, सिर भी झुक जाते हैं और वे अपनी सुदबुद्ध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। हरिवीर उनके चरण कमलों में ध्वजा वज्र कमल अंकुश आदि के चिन्ह और सुंदर सुंदर चित्र चिन्ह है। जब व्रज भूमि गवों के खुरों से खुर खुद जाती है तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह ध्वनि वंशी ध्वनि उन्हीं की वह चाल और उन्हीं की वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी मोहित हो जाती है कि हिल डोल तक नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष हो। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारा जुड़ा खुल गया है या बंधा है, हमारे शरीर पर का वस्त्र उतर गया है या है। हरिवीर उसके गले में मणियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है, तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है। उन्हीं से तुलसी की माला को तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उस मणियों की माला से गौ की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बांध डाल
बाह डाल देते हैं और भाव बता बता कर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं। उस समय बजती हुई उस बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्णसार मृगों की पत्नी हरिणिया भी अपना चित्त उनके चरणों पर नौछावर कर देती है। और जैसे हम गोपियाँ अपने वो घर गृहस्थी की आशा अभिलाषा छोड़कर गुण सागर नागर नंद नंद को घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी उसके पास दौड़ आती है और वही अटक कर एक अटक देखती हुई खड़ी रह जाती है, लौटने का नाम भी नहीं लेती। नंदरानी यशोदा जी वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाडले लाल हमें प्रेमी हैं, बड़े प्रेमी हैं। उसका चित्त बड़ा कोमल है, वे प्रेमी सखाओं को तरह तरह से हास परिहास के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। कुंदकली का हार पहनकर जब वे अपने को विचित्र और वेश में सजा लेते हैं और ग्वाल बाल तथा गौ के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय ये मलयज चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती है और गंधर्व आदि देव उपदेवता वंदी जनों के समान गा बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकार की भेंटें देते हुए सब ओर से घेर कर उसकी सेवा करते हैं। अरे सखी श्याम सुंदर व्रज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सब गौओं को लौट कर आते ही दे होंगे। देखो सायंकाल हो चला है, तब इतनी देर क्यों होती है सखी? रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध और शंकर आदि ज्ञान वृद्ध उसके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं। अब गौओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे, ग्वाल बाल उनकी कृति का गान कर रहे होंगे। देखो ना ये क्या आ रहे हैं, गौओं के खुरों से उड़ उड़ कर बहुत सी धूल वनमाला पर पड़ गई है। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए हैं, फिर भी अपनी शोभा से हमारी आंखों को कितना सुख कितना आनंद दे रहे हैं। देखो ये यशोदा जी की कोख से प्रकट हुए सबको आह्लादित करने वाले चंद्रमा हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही हमारे पास चले आ रहे हैं। सखी देखो कैसा सौंदर्य है, मद भरी आंखें कुछ चढ़ी हुई है, कुछ कुछ ललाई लिए हुए कैसे भली जान पड़ती है। गले में वनमाला लहरा रही है, सोने के कुंडलों की कांति से वे अपने कोमल कपलों को अलंकृत कर रहे हैं। उसी से मुंह पर अधब के बैर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है और रोम रोम से विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूटी पड़ती है। देखो अब वे अपने सखा ग्वाल बालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो देखो सखी व्रज विभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मद भरी चाल से इस संध्या वेला में हमारी ओर आ रहे हैं। अब व्रज में रहने वाली गौओं का हम लोगों का दिन भर का सह विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप चले आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बड़भागिनी गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था, वे सुकृष्णमय हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसमें रम जाती। इस प्रकार उसके दिन बीत जाते।